बिष्टोपुर थाना क्षेत्र के टीएमएच गोलचक्कर के पास मंगलवार की दोपहर बाइक सवार दो लोग 407 की चपेट में आ गए। घटना में कदमा शास्त्री नगर के रहने वाले सुनील कुमार बेदी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा रोहित कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया है। उसे इलाज के लिए पुलिस ने टीएमएच में भर्ती कराया है। घटना के बाद मृतक और घायल के परिचित बिष्टोपुर थाने पर पहुँचे और मुआवजे की मांग को लेकर हंगामा किया। पहले एक बार और एक्सीडेंट हुआ है। सुनील के बारे में बताया गया है कि वे कदमा के शास्त्री नगर ब्लॉक नंबर 1 में वॉशिंग सेंटर चलाते थे। सुबह बाइक से रोहित के साथ घर से किसी काम से निकले हुए थे। इसी बीच ही टीएमएच गोलचक्कर के पास घटना घट गई। सुनील के घर में पत्नी और दो बच्चों के अलावा पिता भी है, वे ही घर के कमाने वाले थे। घटना के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। गंभीर रूप से घायल रोहित के बारे में बताया गया कि वह अमन कुरियर चलाता है। उसे मोबाइल पर फोन आया कि उसका कुरियर पहुंच गया है। इसके बाद ही वह कुरियर लेने के लिए बेदी के साथ बाइक से जा रहा था। इसी बीच उसने देखा कि कुरियर वाली गाड़ी रफ्तार में जा रही है। उसने रोकने का प्रयास किया था, इसी बीच वह 407 की चपेट में आ गया। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने 407 चालक को खदेड़ कर धर दबोचा और उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद घटना की जानकारी बिष्टोपुर पुलिस को देकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। इधर प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि चालक शराब के नशे में। सूचना हम लोग को सुबह में यहाँ पर थाने पर सूचना मिली कि टीएमएच गोलचक्कर के पास ठीक है किसी 407 वाहन से स्कूटी वाले को धक्का मार दिया गया है। त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग अपने पेट्रोलिंग पार्टी को और अन्य अफसरों को टीएमएच में भेजा ठीक है, क्योंकि सूचना मिली थी कि टीएमएच में इलाजरत है। वहाँ पर जाने पर पता चला कि एक व्यक्ति इनका इलाज चल रहा है ठीक है, और दूसरे व्यक्ति जो शायद कर्मा के थे उनका वहाँ पे मृत्यु हो गया है। इस पर जाँच की जा रही है और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। अभी सर इन्होंने क्या मांग कर रहे हैं? जो भी है पीड़ित परिवार की तरफ से है कि गाड़ी मालिक की तरफ से मुआवजा कर, तो ये तो अपना सामाजिक रूप से कर, ये हम लोग के चीज़ का नहीं है। हम लोग तो अपना विधि सम्मत जो कार्रवाई होगा इसमें हम लोग करेंगे।